तो माइनक्राफ्ट की आज इस वाली वीडियो में स्वागत है आप सभी का। एंड आज मैं ट्राई करने वाला हूँ टीएनटी मिसाइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खतरनाक है। तो मेरे पीछे यहाँ पे सभी प्रकार के मैंने यहाँ पे टीएनटी मिसाइल्स रख रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचाते हैं। तो फटाफट चलो फोड़ते हैं पहले इन्हें और देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। तबाही मचाने के लिए मुझे एक जगह चाहिए, तो कहाँ पर फोड़ा जाए? ओ, पास ही में एक विलेज है, विलेज को रहने देते हैं। और तो चलो देखते हैं कहाँ फोड़ते हैं। ओ, ये जगह यहाँ पे परफेक्ट होने वाली है, तो चलते हैं पहले यहीं पर फोड़ते हैं। एंड यहाँ पे फ्लिंट मैंने निकाल लिया एंड फटाफट से इसको जलाते हैं। भाई जल क्यों नहीं रहा? भाई नकली वकली फ्लिंट है भाई, और सभी जगह तो यहाँ पे काम कर रहा है ये फ्लिंट, बाकी अच्छे। तो इसे लॉन्च करने के लिए भाई साहब यहाँ पे लॉन्चर दिया गया है, और यहाँ पे एक टारगेट सेट करने के लिए दिया गया है, जो कि हम टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इस वाले से लॉन्च कर सकते हैं। सो फटाफट से इस मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ओ, इसको मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है एंड बूम, मिसाइल हमारा ऊपर चला गया है। एंड अब देखते हैं, एक सेकंड, पहले तो भाई साहब इसका टारगेट भी तो मुझे सेट करना होगा। ओ, इसका टारगेट अपन लग सेट कहाँ करते हैं? टारगेट सेट कर दिया है, जस्ट यहाँ पे एंडरमैन बच गया, क्योंकि एंडरमैन के ऊपर ही मैं सेट करने वाला था, बट ब्लिंक हो रहा है एंड मिसाइल आई और बूम। ओ भाई साहब, चारों तरफ आ गया, व्हाट तबाही, क्या तबाही मचाई भाई इसने। ओके, यहाँ पे हम दूसरा वाला मिसाइल चेक करते हैं, जिसका नाम है सेंट टीएनटी मिसाइल, एंड देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या करता है। ओके, ब्लिंक कर रहा है एंड मिसाइल आई और ये क्या कर दिया इसने। ओ, तो यहाँ पे बस सेंट, चारों तरफ इसने सेंट पैदा कर दिया। देन तो उतना मजा नहीं आया, उतना खास मजा नहीं आया यार इस टीएनटी वाले पे। एंड चलो छोड़ो, एंड यहाँ पे अपना थर्ड वाला टीएनटी मिसाइल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, जस्ट इसके ऊपर ही ट्राई करते हैं, एंड जिसका नाम है इन्फानाइट टीएनटी मिसाइल। ओके, इसको लॉन्च करते हैं एंड दूर खड़े होकर देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या करता है। पहले तो इसको टारगेट इसका भी सेट कर देते हैं, जस्ट इस काव के ऊपर टारगेट इसका सेट करते हैं। एंड यहाँ पे अब दूर होकर हम देख लोग देखते हैं कि ये वाला टीएनटी क्या तबाही मचाता है। एंड यहाँ पे मिसाइल गिर चुकी है एंड यहाँ पे अभी गेम लैग हो रहा है। ओ, पीसी लैग, ओ लैग हो गया है, ओ यहाँ पे क्या होगा। ओ वेट, यहाँ पे ये सब फ्रिज उड़ रहे हैं, हवा में क्यों उड़ रहे हैं? लगता है कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, ज़रूर कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है और पूरा गेम यहाँ पे लैग ही मेरा चल रहा है, पता नहीं सब। ओके, यहाँ पे ये प्रोसेस हो चुका है, और भाई साहब क्या ही इसने यहाँ पे गड्ढा कर दिया, पूरा भाई एकदम बेडरॉक तक इसने यहाँ पे गड्ढा कर दिया यार। ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टीएनटी में था, ये वाला मिसाइल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक निकला, मैंने इतना सोचा भी नहीं था यार, ये तो पूरा मतलब बेडरॉक तक ये इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक था। एंड अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं एंड अपना यहाँ पे चौथा मिसाइल यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे टीएनटी रख दिया है और इस टीएनटी का नाम टीएनटी 20 मिसाइल नाम है, मतलब इसमें 20 टीएनटी की ताकत है। तो इसका टारगेट हम इस सेंट के ऊपर करते हैं और यहाँ पे, ओ यहाँ पे तो गेम पूरा रुक चुका है एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओ भाई, इसने तो यहाँ पे तालाब जैसा बना दिया, बट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इस वाले टीएनटी में, बट एवरेज था ये वाला टीएनटी मिसाइल। एंड तो चलते हैं अपने वाला यहाँ पे पांचवा वाला टीएनटी मिसाइल को यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं। एंड इस वाली टीएनटी का नाम स्नो टीएनटी मिसाइल है ना, इसको यहाँ पे लॉन्च करते हैं। लॉन्च तो मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड देखते हैं कि ये वाला टीएनटी यहाँ पे क्या करता है। देन इसका टारगेट पहले तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं एंड इस टारगेट का सेट भाई इस वाले इन जानवरों के बीच में कर देते हैं एंड इन सुअरों के ऊपर यहाँ पे, अब यहाँ पे टीम मिसाइल्स गिरने वाले थे ना, देखते हैं कि यार ये वाली मिसाइल यहाँ पे क्या करती है। सो मिसाइल यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पे भाई ब्लिंक कर रहा है और मिसाइल यहाँ पे गिरी, और ये यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे स्नो फैल रहा है। ओ, तो यहाँ पे यो इसने स्नो फैला दिया चारों तरफ, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा खास नहीं था। एंड चलते हैं यहाँ पे अपनी दूसरी वाली एंड अगली अपने यहाँ पे टीएनटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है एंडर टीएनटी मिसाइल। सो यहाँ पे इसको रखते हैं एंड देन यहाँ पे इसको लॉन्च कर देते हैं। तो मिसाइल यहाँ पे गिर चुकी है और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओ ये भाई पूरा यहाँ पे मसी चंग ही गए। ओ भाई साहब, यहाँ पे इसने पूरा चंग को उठाकर हवा में उड़ा दिया, मतलब क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, मुझे नहीं समझ आया यार इसकी क्या ही ज़रूरत है, पूरा यहाँ पे ज़मीन को फाड़ के उखाड़ के ऊपर कर देने में क्या ही मतलब निकलेगा। बट जो भी है, ये टीएनटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक है, क्योंकि यार इसने पूरे ज़मीन को उखाड़ के इसने ऊपर कर दिया ना इसी वाले के ऊपर। अब लोग हम यहाँ पे अपनी दूसरी वाली टीएनटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं।
जो कि होने वाली है न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर एक्सक्लूसिव मिसाइल। तो यहाँ पे हम इसको लॉन्च करते हैं। अब इस पूरे चंग को देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरे चंग को क्या करता है। यहाँ पे इसको रख देते हैं, देन यहाँ पे इसको लॉन्च कर देते हैं। एंड देखना होगा अब इसको कि यहाँ पे इस चंग को पूरा यहाँ पे क्या ही करता है ये। तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और ये मिसाइल यहाँ पे गिर चुकी है। बस गाइस पता नहीं कैसे यार इस लगता है इस मिसाइल की वजह से मुझे यहाँ पे पीछे ढकेल दिया। एंड गाइस यहाँ पे पूरा चंग गायब हो चुका है एक झटके में। भाई न्यूक्लियर ने पूरा यहाँ पे चंग को गायब कर दिया। बस यहाँ पे कुछ बट यहाँ पे समझ नहीं आया। इसको एक काम करते गाइस यहाँ पे नीचे फोड़ते हैं एंड देखते हैं कि यार ये कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकती है, क्योंकि ऊपर तो उतना मुझे समझ नहीं आया कि बट यहाँ पे उसने पूरा चंग गायब कर दिया। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे इस मिसाइल को दोबारा से यहाँ पे टेस्ट करते हैं और इसको मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया एंड देखते हैं कि भाई ये कितनी हद तक यहाँ पे तबाही ये मचा सकता है। काफ़ी देर से मैं ये सोच रहा था कि ये TNT फूटी क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वाली मिसाइल तो आके यहीं पर ही फंसी हुई थी। बट यहाँ पे मैंने इसको फ्री कर दिया है, देन यहाँ पे ये ऊपर अब चल गया है। और यहाँ पे भाई एक बात तो ये है कि ये मुझे क्रिएटिव में भी पीछे तक धकेल दे रहा है। देख रहा है मुझे यहाँ पे इसने पीछे तक ढकेल दिया और यहाँ पे पूरा मेरा PC लैग कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा ही लैग में यहाँ पे मेरा PC अभी चल रहा है। और लगता है यहाँ पे नीचे TNT मिसाइल तो ब्लास्ट हो गई है, बट यहाँ पे प्रोसेस तो कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे देख यहाँ पे मैं नीचे आके देख रहा हूँ। ओ भाई साहब ये हुई ना बात। देख रहे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसने तबाही मचा दी। यहाँ पे इसने कितना ज़्यादा यहाँ पे इसने तबाही मचाई है भाई। गाइस ये सब लोग देख सकते हो कि गाइस ये वाली TNT ये एक नंबर की थी। ये वाली TNT बहुत सही है यार, काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पे तबाही मचा दी यार। पूरा यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा दी। कितनी ज़्यादा ये खतरनाक वाली ये TNT थी। अरे भाई साहब पूरा इसने यहाँ तो पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे तहस नहस कर दिया गाइस। वैसे यहाँ पे इसने पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे इसने तहस नहस कर दिया। नीचे से देखने में यार ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि यार ये वाली मिसाइल तो बहुत ज़्यादा पावर थी। न्यूक्लियर वाली मिसाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा इसने तबाही मचा रखी है, क्योंकि यार ये यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का मतलब पूरा ख़त्म कर दिया इसने। और अभी भी यहाँ पे इसको प्रोसेस हो ही रहा है क्या? ये मिसाइल एनिमल TNT मिसाइल्स है, तो इसको यहाँ पे लॉन्च करते हैं। इससे जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है यार कि ये एनिमल्स है, एनिमल का एनिमल वाला मिसाइल है, जिसका इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके नाम में ये एनिमल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस वाले में मिसाइल में एनिमल्स होंगे क्या? एंड वेट करते हैं पता ही चल जाएगा कि वो वाली मिसाइल में क्या है। एंड अभी भी देखते हैं। अभी एंड ये आई मिसाइल और यहाँ पे ये गिरी। ओ तो यहाँ पे जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा था कि एनिमल TNT मिसाइल्स है, बट यहाँ पे एनिमल्स के साथ कुछ मॉब भी स्पॉन हो चुके हैं। देन कोई बात नहीं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे ही इस वीडियो का part 2 चाहते हो तो मुझे बताओ। और मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे TNT बचे हुए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।